नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का जो हाउस प्लान है उसे आप लोग से डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हाउस प्लान है वो सभी देशों में बनाया जाता है। ओके, ये इंडिया में भी बहुत अच्छा से बनाया जाता है इस प्रकार से हाउस प्लान। तो हम लोगों ने इसे इसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहले इसका जो वॉल है उसे हाईलाइट कर लेंगे हम लोग, ताकि आप लोग को भी अच्छे से ये समझ में आ सके। ओके, तो ये है इसका वॉल। ओके, अंदर साइड, बाहर साइड, और बेसिकली ये 3 BHK का हाउस प्लान, मतलब इसमें आप लोग को 3 बेडरूम देखने को मिलेंगे। ओके, 3 कमरों का। तो इसे खासकर ज़्यादातर एक बड़ा साइज का हम लोगों ने 3 बेडरूम का बनाने की कोशिश की है। तो देखते रहिए आप लोग, ऐसे करके आप लोग को समझ में आएगा आगे। इसमें हम लोगों ने जो विंडो रखा है वो भी अच्छे से रखा है। ओके, प्रॉपर वेंटिलेशन आए और हमने सभी तरफ विंडो ओपन किया हुआ है। ओके, तो ऐसे करके हम लोगों ने इसमें वॉल, हम लोग इसमें का जो वॉल है उसे हाईलाइट कर लेंगे। ये है, मैं वॉल हाईलाइट करता हूँ। उसके पास आगे हम लोग इसका जो डिटेल में बात करेंगे कि इसमें आप लोग को क्या क्या साइज रखना है और कहाँ कहाँ पास कौन कौन सा एरिया है, मतलब तो ये देखने वाली बात है। तो आप लोग प्लीज, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहते हैं। तो ये हो गया हाईलाइट। ओके, हम लोग इसमें विंडो को भी हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं। ओके, इसमें हम लोगों ने प्रॉपर पोर्च भी दिया हुआ है यहाँ पास पोर्च। तो इसमें का जो विंडो है इसे पहले हाईलाइट करते हैं हम लोग। ओके, ये है हाईलाइट। ओके, ऐसे करके हाईलाइट रहेगा आप लोग का विंडो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से। ओके, ये आप लोग का पोर्च रहेगा। ओके, तो ये है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने जो डिस्टेंस प्रोवाइड किया हुआ है ये है आप लोग का 30 फीट बाय 35 फीट। ओके, इसमें का जो डिस्टेंस है। ओके, तो आप लोग का जो इधर का जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आप लोग का 35 फीट 0 इंच। ओके, और जो आप लोग का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आप लोग का 30 फीट 0 इंच। ओके, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये है आप लोग का पोर्च। ओके, ये पोर्च है जिसका डिस्टेंस रहेगा ये वाला जो डिस्टेंस है आप लोग को रखना है 8 फीट। ओके, और ये वाला जो डिस्टेंस है आप लोग का अंदर से अंदर तक का रखना है 10 फीट 6 इंच। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पास आप लोग का डोर रहेगा, गेट। ओके, मेन गेट है। तो आगे आप लोग को मिलेगा लिविंग रूम। ओके, ये लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम का जो डिस्टेंस आप लोग को रखना है ये रहेगा 10 फीट 6 इंच। ओके, इधर का, और ये डिस्टेंस आप लोग का रहेगा ऐसे करके, ये रहेगा आप लोग का 10 फीट। तो लिविंग रूम का आपको साइज अच्छे से मिलेगा, यहाँ पर खुला मिलेगा। ओके, ये रहेगा आप लोग का हॉल बीच में सेंटर में। ओके, सेंटर में सभी कनेक्शन है। ओके, सभी का डोर। तो इधर साइड में आप लोग को मिल जाएगा डिनिंग एरिया रहेगा इधर साइड में, जिसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो आपको पता है यहाँ पास 10 फीट 6 इंच। ओके, और देखिए अब हम लोग यही बात करते हैं, यहाँ से अप का डायरेक्शन है। ओके, ये पहले क्या है, स्टेयर है, सीढ़ियाँ है यहाँ पास। ओके, यहाँ पास ऐसे करके रहेगा। ओके, तो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये रखना है आप लोग को 7 फीट 6 इंच। ओके, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रखना है आप लोग को 7 फीट। ओके, और ये डिस्टेंस आप लोग को रहेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रखना है आप लोग को 11 फीट। ओके, तो इधर आप लोग को साइड में यहाँ पास एक डोर मिलेगा। ओके, और ये है आप लोग का बेड रूम। ओके, बेडरूम है जिसका साइज रखना है आप लोग को 11 फीट बाय 10 फीट। ओके, और इधर साइड में आप लोग को एक और डोर मिलेगा, और ये भी आप लोग का बेड रूम है। ओके, यहाँ पास भी बेडरूम मिला हुआ है, तो इसका भी साइज 11 फीट बाई 10 फीट रहेगा। ओके, ये पहले नंबर का बेडरूम, दूसरे नंबर का बेडरूम, और यहाँ पास एक मिलेगा आप लोग को डोर, और ये है कॉमन टॉयलेट और बाथ। ओके, ये कॉमन टॉयलेट बाथ है जिसका साइज रखना है आप लोग को 7 फीट बाई 7 फीट 6 इंच। ओके, ऐसा करके तो आपको तीसरे नंबर का बेडरूम का डोर यहाँ पास मिलेगा। ओके, ये तीसरे नंबर का बेड रूम है। ओके, तीसरे नंबर का ये बेडरूम है। तो बेडरूम का जो साइज रखना है ये आप लोग को रखना है 11 फीट बाई 10 फीट। ओके,
और इधर तो आप लोग का डिनिंग रहेगा, और यहाँ पास आप डोर लगाना चाहते हैं या ओपन रखना चाहते हैं आपकी मर्जी। और ये है आप लोग का किचन। ओके, ये किचन है, तो किचन का जो साइज रहेगा वही सेम 11 फीट बाई 10 फीट का। ओके, इसमें का आप लोग को कॉलम का साइज पता चल गया 1, 2, 3, 4। ओके, और इधर रहेगा 1, 2, 3, 4, मतलब 4×16 कॉलम लगेगा आप लोग को इसमें। यहाँ पास रहेगा यहाँ ऐसे ऐसे करके, तो कॉलम की संख्या की बात करें तो यहाँ पास कॉलम रहेगा 16। ओके, 16 कॉलम आपको लगाना है, विंडो लगाना है ऐसे करके। ओके, ये विंडो है, आउटसाइडर सभी तरफ हम लोगों ने इसमें विंडो प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, ऐसे करके इसमें सभी तरफ हम लोगों ने विंडो प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख लीजिए। इस प्रकार से है आज का हाउस प्लान। इसमें का जो आउटसाइड 10 इंच रहेगा वॉल, इनसाइड वॉल रहेगा 5 इंच रहेगा। ओके, तो आज का हाउस प्लान ये है, कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलेंगे किसी और नए नक्शे के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, गुड बाय।